हेलो स्टूडेंट, की हाल चाल ने सारे दा। जिमें कि तुहानू पता ही है कि आपां शुरू की हुई है 8.1 एक्सरसाइज क्लास 10th द मैथ। इस वीडियो तो पहला आपां चार सवाल है जिहड़े वह कर चुके हैं। अज आपां करांगे पंजवां सवाल। पंजवें सवाल की जो रकम दी हुई है वह आपां गिवन है सैक थीटा इक्वल टू 13/12, यानी कि सैक थीटे की अपन वैल्यू दी गई है। तो अपन कहा गया कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज। तो इस तो बाद जो ट्रिग्नोमैट्रिक होंगी है, जो ये साइन कोस के सम होंगे है, इन बाकी दे जो रकम्स रह गई उन्होंने अपन वैल्यू आ जी फाइंड आउट करन दे लई किया है। पहले नंबर पर तो तुहानू मैं दस दा भी इहदे लई आपां नूं एक राइट एंगल ट्रायंगल लैनी पैंदी है, ए बी सी, जिंदे विच आ अपने कोले हाइपोथिनस हुंदी है, अपने कोले परपेंडिकुलर हुंदा है, अपने कोले बेस हुंदा है। तो अपने कोले जो वैल्यू दिती है वह अपन नूं दिती है सैक थीटा इक्वल टू 13/12। तो इहदे लई फार्मूले मैं पहला वाली वीडियोज़ दे विच भी दस चुके हैं कि साइन हुंदा अपने कोले कोस हुंदा हैगा, टेंजेंट हुंदा है, कोसीकेंट हुंदा है, सीकेंट हुंदा है, ते कोट हुंदा है। इहनूं आपां कहिंदे हां लंबू आया लंबू, की करन आया की करन आया लंबू आया लंबू। हुण आपां की करांगे, आपां नूं उन्होंने वैल्यू दिती है सैक की, तो अपने कोल सैक की जिहड़ी वैल्यू बनती है वह बनती है हाइपोथिनस बाय बेस, यानी कि जो उन्होंने वैल्यू दिती है वह अपन नूं 13 दिती हुई है, तो इत्थे 12 दिती है। पहले नंबर ते तां आपां परपेंडिकुलर की वैल्यू है जिहड़ी फाइंड आउट करांगे। फार्मूला अपना कल वाला ही रहेगा। जेकर तुसीं मेरियां वीडियोज़ नहीं देखियां तां तुसीं वीडियो नूं वेख सकदे हो, मैं अज डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दे दूंगा। करन स्केयर बराबर आधार स्केयर प्लस लंब स्केयर, एक फार्मूला हुंदा बेटे। एंदे विच आपनूं करन की वैल्यू दिती हुई है 13 का स्केयर, आधार की वैल्यू दिती हुई है 12 का स्केयर, प्लस परपेंडिकुलर यानी कि लंब की स्केयर। 13 का जिहड़ा स्केयर रूट लवेंगे वह हुंदा 169, 12 का जिहड़ा स्केयर रूट हुंदा 144 हुंदा, प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर 169 हो गया बेटे। आ जिहड़ा 144 हुंदा इहनूं बराबर दे जदों इधर लैके आवेंगे तो यह माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू रह जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्केयर। हुण की आ आपां 169 दे विचों 144 घटा देंगे तो अपने कोले बचेगा 25, यानी कि परपेंडिकुलर का स्केयर। तो जदों आपां इहनूं करांगे ये जिहड़ा 25 हुंदा हैगा ये 5 दी स्केयर हुंदी है, इधर बन गया लंब का स्केयर। तो स्केयर ना स्केयर कट देंगे तो अपने कोले आ जाएगा लंब बराबर वैल्यू फाइंड आउट हो गया आपां नूं, पर पेंडिकुलर की वैल्यू अपन 5 आ गई। तो इस तरीके दे नाल आपां बेटे इहदी जिहड़ी वैल्यू है वह फाइंड आउट कर लिया। हुण उसने अपन सम किया सीगा कैलकुलेटर ऑल अदर ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो दियां ऑल वैल्यूज़ आ जिहड़ियां फाइंड आउट करनियां। तो पहले नंबर पर आपां साइन की वैल्यू है जिहड़ी साइन थीटे की वैल्यू फाइंड आउट करांगे, जो हुंदी है लंब बटा करन यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोथिनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपने कोले आया 5, हाइपोथिनस अपने कोले सीगा 13। तो अपने कोले वैल्यू पहले नंबर पर फाइंड आउट होगी। दूजे नंबर पर आपां कोस की वैल्यू पता करांगे। कोस हुंदा बेटे अपने कोले आधार बटा करन, तो आधार अपने कोले आ गया बेस बटा हाइपोथिनस। तो बेस अपने कोले जो हैगा वह हैगा 12, तो हाइपोथिनस है अपने कोले 13। जेकर आपां 10 दी थीटे की वैल्यू पता करांगे तो वह अपने कोले हुंदा बेटे लंब बटा आधार, जो परपेंडिकुलर है तो जो बेस है परपेंडिकुलर हैगा बेटे अपने कोले 5, तो बेस अपने कोले हैगा 12। इस तरीके दे नाल आपां
टेंजेंट की वैल्यू पता कर लें। जे आप कोसेकेंट थीटे की वैल्यू पता करा तो कोसेकेंट थीटा होंगे बेटे अपने को कर्ण बटा लंब यानी कि हाइपोथिनस बटा परपेंडिकुलर। हाइपोथिनस अपने को 13 है, परपेंडिकुलर आप फाइंड आउट किया 5। तो जेकर आप मतलब कि सैक की वैल्यू फाइंड आउट करा सैक थीटे की तो सैक थीटा होंगे अपने को कर्ण बटा आधार जो आप फाइंड आउट कर चुके हैं। कर्ण है जोड़ा वो अपने को 13 दिता होया तो आधार अपने को 12 दिता होया। कोट थीटे की वैल्यू आप पता करा तो वह अपने को होंगी है आधार बटा लंब जिन्हों आप कहने बेस बटा परपेंडिकुलर। बेस अपने को 12 हैगा तो परपेंडिकुलर आप वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो आई परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आ गई। तो इस तरीके दे नाल बेटा यह जो सारा सम है ये सोल्व होना सी। उम्मीद करदा कि तुहानू यह सारा कॉन्सैप्ट है जिहड़ा क्लीयर हो गया होगा। जेकर तुहानू मेरा यह पढ़ाउण दा तरीका वधिया लग्या तां प्लीज़ मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जिन्हां ने अजे तक चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो। तुहाडे एक सबसक्रिप्शन दे नाल तुहाडे एक लाइक दे नाल मैनू हौसला मिलता है। वीडियो नू पूरी वेख्या करो तां जो तुहानू हरेक कॉन्सैप्ट है जिहड़ा उह क्लीयर हो जाए। अज लई इन्ना ही। विश यू अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय।